तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या टॉपिक लेकर आए हैं विशाल सर आपके लिए आज? स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, है ना बेटा? होता क्या है, मान लो कोई स्ट्रिंग है, वो स्ट्रेच्ड है, मैंने क्या करा, पल्स दे दी, है ना, मतलब ऑसिलेट करा दिया मीडियम पार्टिकल को, तो उसके आसपास के मीडियम पार्टिकल भी ऑसिलेट करना शुरू हुआ और वेव का प्रोपागेशन चालू हो गया। अब वेव का प्रोपागेशन चालू हो गया तो किसी स्पीड से तो चालू ही होगा, है ना? तो वो स्पीड निकालनी है कि वेव किस स्पीड से प्रोपागेट करती है, ठीक है, और उसके क्या फॉर्मूले होने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ही बताऊंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव। मान लो बेटा कोई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। क्या है ये? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है तो यार टेंशन तो होगी होगी, है ना? स्ट्रिंग में टेंशन होगी तभी तो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगी। बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रिंग में टेंशन है, मान लो ये हिस्सा पढ़ लेते हैं ऐसे, ये पल्स है मेरी। क्या है ये? मेरी पल्स। पल्स समझते हो? पल्स किसे बोल रहा हूं मैं? एक पार्ट, एलिमेंटल पार्ट, है ना, जो क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है। वेव आगे जा रही है ना ऐसे से, ऐसे से। आज ब्लू है, पानी पानी, ठीक है ना, उस टाइप से वेव आगे जा रही है। तो ये पल्स हो गई मेरी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं करता हूँ बेटा, और ये वेव जा रही है मेरी आगे इस डायरेक्शन में, सही है? मेरे को इस वेव की स्पीड बतानी है। स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? टी। और स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू। म्यू इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान पूर्वक। मैंने एलिमेंटल हिस्सा लिया, ठीक है ना, छोटा सा हिस्सा एलिमेंटल, और इसको जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं इस पार्ट को जूम करके दिखाऊंगा तो कुछ पार्ट ऐसा आएगा ये, सही है? तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने पुराने वीडियो लेक्चर्स में न्यूटन्स लॉज में बात बताई हुई है कि टेंशन हमेशा लगती है अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग कैसा है? ऐसा, तो टेंशन लगेगी ऐसा, और टेंशन हमेशा खींचेगी, है ना। तो ये इधर और ये इधर, ये टेंशन आ गई एलिमेंटल पार्ट पर, और ये एलिमेंटल पार्ट एक आग कितना बिहेव करेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये उसका सेंटर होगा, सही है, और ये मान लो मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सर इस एंगल को मैं कुछ दिनों के लिए डी थीटा बोल रहा हूं, तो कुछ दिनों के लिए ये एंगल भी क्या है? डी थीटा, क्योंकि मैं बाइसेक्ट कराता हुआ पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है। ये लाइन मैंने जो डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब ये वेव आगे जा रही है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। कितना लग रहा है? डीएम, एलिमेंटल मास ले लेते हैं इसका डीएम, वी स्क्वायर बाय आर। आर इज रेडियस। आर इज व्हाट? रेडियस, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो, है ना। खैर गाना याद आ गया मुझे, सुनो। तो ये डी थीटा है, तो ये डी थीटा है, 90 माइनस डी थीटा है, तो ये कितना है? डी थीटा। तो सर इधर कंपोनेंट कितना आएगा? टी का कोस डी थीटा। और इधर कितना आएगा सर? टी का साइन डी थीटा। आया कि नहीं आया जनाब? बिल्कुल आएगा। सर इधर कितना आएगा? टी का कोस डी थीटा। इधर कितना आएगा सर? टी का साइन डी थीटा। टी के कोस डी थीटा ने टी के कोस डी थीटा को काट दिया, मार दिया, जान से मार दिया, ठीक है। नीचे की तरफ कितना फोर्स है? 2t साइन डी थीटा। ऊपर की तरफ कितना फोर्स है? डीएम वी स्क्वायर बाय आर। चलो बैलेंस कर देते हैं, तो कितना आएगा? डीएम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा ये वी किसकी स्पीड है, पार्टिकल की या वेव की? वेव की। किसकी स्पीड है? वेव की, बिल्कुल सही बात है। तो इसको वी डब्ल्यू लिख देते हैं हम, और बढ़िया हो जाएगा, है ना। 2t साइन डी थीटा फॉर स्मॉल एंगल। साइन थीटा क्या होता है सर? थीटा होता है। तो एलिमेंटल एंगल लिया हमने, बहुत छोटा सा पार्ट लिया ना, इसी को तो जूम किया था सर, बिल्कुल सही बात है। तो 2t साइन डी थीटा फॉर स्मॉल एंगल क्या हो जाएगा? डी थीटा। चलो बहुत बढ़िया हुआ। अब आती है बात किसकी? डीएम वी स्क्वायर बाय आर की। डीएम, डीएम मैंने आपको बताया मास है इस एलिमेंटल पार्ट का। इस एलिमेंटल पार्ट की आर की लेंथ कितनी है? टीएल। मान लो कितनी लेंथ है? डीएल। तो मास पर यूनिट लेंथ गिवन है हमें म्यू, और ये आर्क लेंथ है कितनी सर? कितनी है जल्दी बोलो? रेडियस इनटू एंगल, तो रेडियस आर, और एंगल कितना है टोटल एंगल यहां से यहां का? 2d थीटा इक्वल टू म्यू। तो डीएम कितना आ गया सरकार? 2μ r d थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है बेटा। तो डीएम की जगह डाल दो 2μ r d थीटा, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर अपॉन आर, 2t d थीटा। डी थीटा ने डी थीटा को मार गिराया, आर ने आर को मार गिराया, टू ने टू को मार गिराया, तो बचा क्या?
सब तो मर गया, वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर बचा है टी बाय म्यू। जब मैं स्क्वायर हटा दूंगा यहाँ से तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो क्या रहेगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। एक नंबर बात। अच्छा, इसको एक प्रूव करने का तरीका तो मैंने ये बताया, एक स्कूल में भी प्रूव करने का तरीका आता है, उसमें क्या करा करो आप डायमेंशन से प्रूव करोगे। जैसे क्या कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करती है टेंशन की पावर ए म्यू की पावर बी। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अब डायमेंशन लगा दो टेंशन को, MLT-2 है ना, फोर्स है, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ ML-1, उसकी पावर ए उसकी पावर बी, और इधर वेलोसिटी LT-1। कंपेयर कर लो एल को एल से, टी को टी से, और मास को मास से। वहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी ए बी सी की, ए बी की, खैर सी की तो जरूरत ही नहीं है। ए बी की वैल्यू आएंगी तो वो ए बी की वैल्यू क्या आएंगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बी की आ जाएगी -1/2। तो 1/2 आने का मतलब पावर 1/2 टी की, तो रूट। -1/2 आने का मतलब, -1/2 का मतलब रूट नीचे है ना। तो म्यू के लिए रूट नीचे और टेंशन के लिए रूट ऊपर, यानी टी बाय म्यू रूट क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव। दिस इज अनदर मेथड, दिस कैन बी अनदर मेथड, ठीक है ना। हालांकि एक मेथड और हो सकता है, वो और अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर है, वो भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन टाइम आने पर, ठीक है। फिलहाल आप ये दो मेथड ध्यान रखो, ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अच्छा, अगर आपको म्यू की जगह गिवन हो रो, इफ रो इज गिवन, रो क्या है, रो रोने वाला रो नहीं, रो डेंसिटी वाला रो, ठीक है ना। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या बताएंगे सर। सुनिए मेरी बात जनाब, सुनिए, इसको हटा देते हैं पहले तो, ठीक है। अगर सरकार आपको गिवन है रो, तो पहले तो मैं एक बात बताऊं कि डीएम बाय डी वॉल्यूम होता है रो, है ना, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। अब डीएम बाय डीएल क्या पढ़ाया सर ने, म्यू, तो म्यू अपॉन एरिया, तो म्यू क्या आ गया मोटा मोटा रो ए, म्यू कितना आ गया रो ए। तो अगर आपको एरिया पता है और रो पता है तो आप उठा के डाल दो म्यू की जगह, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट टी बाय रो ए। क्या बन जाएगा सर? अंडर रूट टी बाय रो ए। ये फॉर्मूला भी यूज करवाएगा आपसे जेई मेंस नीट में अंदर अंदर, है ना, एडवांस में भी करा सकता है, ठीक है। बोलो क्लियर है आपको अच्छे से? क्लियर है, ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो इसमें एक चीज और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बताता हूँ, हटा दो इसको, हटा दो, चलो हटा देता हूँ, अब इतना जोर कर रहे हो तो हटा देते हैं, और सुनो मेरी बात ध्यान से सुनिए, सुनिए सर सुनिए। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग सीलिंग से लटक रहा है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, ठीक है। अब सीलिंग से लटक रहा है तो आपने टी इक्वल टू जीरो पर नीचे पल्स दिया, यहां पर पल्स दिया है ना, टी इक्वल टू जीरो पर ऑसिलेटर से पल्स दिया, तो ये पल्स ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, ब्लू है पानी पानी करता हुआ जाएगा। तो ये एल लेंथ है मान लीजिए सर, लेंथ कितनी है ये एल, है ना। तो ये कितनी देर में पल्स ऊपर पहुंचेगी, टाइम टू रीच, टाइम टेकन बाय पल्स, ये क्वेश्चन ना पूछ चुका है जेईई मेंस में भी कई बार, नीट में भी, है ना, तो आगे भी पूछा जा सकता है, टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच टॉप, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करना सीखो कैसे करते हैं, ये वैरायटी भी पूछी जा सकती है। जैसे मान लो आपने टी इक्वल टू जीरो पल्स दी, तो वो पल्स कुछ ऐसी होगी, है ना, यहाँ पर दी, दे दी, तो ये पल्स ने कहाँ जाना है भाई, ऊपर जाना है, जाना है। तो रास्ते में मैं एक काम करता हूँ, एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ पी, पढ़ लो, सही है, पकड़ लो, पकड़ लिया। तो इस पॉइंट पे वेव की स्पीड कितनी होगी? अरे सर वेव की स्पीड कहाँ बदलती है, वेव की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, आप क्या रहे हो, यहाँ बदलेगी, क्यों क्यों बदलेगी, क्यों बदलेगी, क्योंकि टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग है, टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो वेव की स्पीड भी क्या होगी, हर पॉइंट पे अलग अलग। तो मुझे लेंथ पता है एल, टाइम निकालने के लिए अगर वेव की स्पीड वेरिएबल है तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, है ना, डायरेक्ट स्पीड इज इक्वल टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टाइम तो नहीं लगा सकता, है ना, कहीं आप लगा दो सर एल अपॉन अंडर रूट टी बाय म्यू, है ना, कि लेंथ पता है और स्पीड पता है वेव की। बेटा वो तब लगता है जब वेव की स्पीड क्या होती, कांस्टेंट। अब वेव की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या लगेगा बेटा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी, है ना,
प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करना होगा। चलो इस पॉइंट पर पढ़ते हैं कि वेव की स्पीड है कितनी। ये पॉइंट कितने ऊपर है, एक्स ऊपर है मान लीजिए, मान लिया सर। तो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी है, टेंशन टेंशन होगा नीचे लटकता हुआ मास एम जी। अच्छा ये मास कितना है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है एक्स सॉरी म्यू है ना। तो मास मैंने लेंथ कितनी है नीचे इससे वाली जो लटक रही है एक्स, तो मास कितना आएगा, मास आएगा म्यू एक्स, कितना आएगा म्यू एक्स। तो टेंशन होगा एम जी, टेंशन होगा एम जी, एम जी मतलब म्यू एक्स जी अपॉन म्यू है ना, अंडर रूट टी बाय म्यू होगा आपका वेलोसिटी। अरे यार टी क्या होगा एम जी, तेज तेज लिख दिया क्या सर ने, चलो आराम से लिख देते हैं परेशान मत हो। टी बाय म्यू है ना, ये भी लिख देते हैं। ये कुत्ते पता नहीं ससुरे क्यों भौंक रहे हैं यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, इनको भगा के आता हूँ रुको जरा। तो टेंशन डालो म्यू एक्स जी और म्यू को डिवाइड करो म्यू से, तो कितना आएगा रूट एक्स जी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो वेलोसिटी आ गई रूट एक्स जी, रूट एक्स जी। तो वेलोसिटी एक्स का फंक्शन आएगी कि नहीं आएगी, तो वेरिएबल है ना, एक्स यहाँ पर है तो वेलोसिटी कुछ और है, एक्स यहाँ पर है वेलोसिटी कुछ और है, एक्स यहाँ पर है वेलोसिटी कुछ और है, सही है। तो क्या करोगे, वेलोसिटी को लिखोगे डी एक्स बाय डी टी। तो क्या करोगे सर, एक्स वाले अलग टाइम वाले अलग, तो मैं इसको हटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लो, चलो नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। ये सवाल कराने के बाद फिर आपको कुत्ते को उठा के आएंगे ना, ये बहुत भौंक रहे हैं नीचे, कुत्तों का झुंड आया भौंक रहे हैं ससुरे, ठीक है चलो कोई बात नहीं है ना। अब यार इनको तो कैसे रोक सकते हैं, है ना, भगा के ही रोक सकते हैं, तो पढ़ा लेते हैं पहले फिर इनको भगा के आते हैं, ठीक है चलो। तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, सब हटा दो, ठीक है। तो क्या बचा सर, डी एक्स बाय रूट एक्स अलग कर दो सर, और इधर आ गया रूट जी डी टी, हाँ कि ना, हाँ इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जब टाइम जीरो था यानी स्टार्टिंग था तो एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो, क्योंकि आप इसी पॉइंट पे खड़े हो है ना। और टी टाइम जब आपको निकालना है तो आपकी पल्स कहाँ पहुंच चुकी है, एल पे पहुंच चुकी है। अरे क्लियर है यार, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या करोगे सर, आप क्या करोगे, इसको लिखोगे रूट एक्स यानी एक्स की पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू ऊपर चला गया यार, तो माइनस वन बाई टू प्लस वन है ना अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू रूट जी टी जीरो से एल, ठीक है सर। तो ये कितना आएगा, रूट एक्स आएगा ऊपर और नीचे वन बाय टू आ जाएगा, तो टू ऊपर भाग जाएगा वन बाय टू का है ना, टू अपर लिमिट डालूंगा रूट एल और ये नीचे आ गया जी, टाइम आ गया टू अंडर रूट एल बाय जी, दिस इज द टाइम देखो। और आप क्या सोच रहे थे, आप सोच रहे थे क्या आएगा, डायरेक्ट लेंथ को किससे डिवाइड कर दो, अंडर रूट टी बाय म्यू से डिवाइड कर दो, जबकि आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक काम और कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, पता है क्या कहेगा, एक ब्लॉक लटका दिया नीचे एम मास का, चलो अब बताओ। तो अब टेंशन के अंदर इसका एम जी भी इंक्लूड होगा है ना, तो इंटीग्रेशन होगी बस, और कुछ छोड़ना होगा, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, अंडर रूट टी बाय म्यू होती है, और रो की फॉर्म में अंडर रूट टी बाय रो ए होती है, सही है। और अगर टाइम जीरो पे नीचे से पल्स दूं और एक स्ट्रिंग है खाली है ना, तो उसको कितना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में, टू अंडर रूट एल बाय जी। अच्छा एक बात और छोटी सी बता दूं, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये म्यू वेरिएबल भी कर सकता है आपको, म्यू वेरिएबल हो सकता है, म्यू आपको फंक्शन दे दे, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एक्स, ऐसे ही पागल बनाने के लिए, ठीक है ना, दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो अब वो क्या करना होगा, जब आपने लिखा यहाँ पे म्यू, तो आप लिखोगे डी एम बाय डी एक्स, आप क्या लिखोगे, डी एम बाय डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ है ना, इसको लिखोगे आप, मैं बता देता हूँ, डी एम बाय डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स ऐसे चला जाएगा, तो म्यू नॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा डी एम, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जीरो से एक्स तक इंटीग्रेट करना होगा, तो क्या आएगा आपके पास, मास आएगा, तो आप एम जी वाला पुट करोगे, ठीक है। और नीचे लिखोगे आप म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एक्स है ना, नीचे म्यू होता है ना फॉर्मूले में, और वहां से सॉल्व करके इंटीग्रेशन बना के सॉल्व करोगे उसको प्रॉपर लिमिट्स के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको सारी वैरायटी बता दी जिस वैरायटी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपको सारी वैरायटी अच्छे से ध्यान में रखनी है,
और नोट्स प्रूफ जरूर बना लेना इन चीज़ों के, ठीक है ना। मेरी कराई हुई चीज़ पक्का कह रहा हूँ पेपर में आती है, ठीक है। हर सिलेबस की एक एक पॉइंट कवर करेंगे हम लोग, हमने चैनल के ऊपर एक एक पॉइंट कवर करेंगे, अगर आपने एक एक वीडियो को ढंग से देख लिया, ठीक है ना। कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बता दूं आपको। फिजिक्स के लिए तो कहीं ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने उसको ढंग से देख लिया ना वीडियो को और प्रॉपर नोट्स बना लिए। मैं बता रहा हूँ बोर्ड के टॉपर भी हो गए, ठीक है। जेई मेंस में भी अच्छा परसेंटाइल आएगा, अच्छा मतलब 99.5+ कह रहा हूँ, 100% भी आ सकता है, डिपेंड ऑन योर कैलिबर, ठीक है ना। और एडवांस में भी सिलेक्शन होगा, और नीट वाले बच्चों गारंटी के साथ कह रहा हूँ 180 में से 180 आएंगे, ठीक है। तो फॉलो करते रहो सारे वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपरली, ठीक है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, है ना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बाहर का गंदा मत खाया करो, ठीक है। बाहर का जंक फूड बिल्कुल बेकार है, बता रहा हूँ। उस समय तो मज़ा आता है खाने में, मुझे भी आता है, पर मैं बाद में सोचता हूँ यार ये क्या क्यों खा लिया, है ना। अच्छे से योगा करो, थोड़ी बहुत सैर करो, है ना। पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, और पढ़ाई करो। बता रहा हूँ लाइफ का मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड तो होता है यार शुरू शुरू में, बड़ा गंदा सा लगता है यार, कि यार ये क्या है आइडियल सी जिंदगी, ऐसी जिंदगी थोड़ी ना जिंदगी होती है। मैं बता दूँ असली जिंदगी यही होती है। हमें लगता है कि हम बर्गर खा लेंगे ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, है ना, या टाइम वेस्ट कर लेंगे, गॉसिप कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। कुछ मज़ा नहीं है, जो मज़ा है ना फैमिली के साथ है, और आपके रियल फ्रेंड्स के साथ है आपका, ठीक है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखो, सबसे ज़रूरी तो सेहत है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। टेक केयर का मतलब समझ में आया, हर बार टेक केयर क्यों बोलते हैं सर, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है।